अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह जो है वो हम सब की इबादतों को, रोज़ों को कबूल और मकबूल फरमाए, और जो हमें इस छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं इस दुनिया से और रुखसत हो गए हैं, और जो इस साल हमारे साथ नहीं है, तो अल्लाह ताला जो है उन सब की मगफिरत फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो उम्मीद करते हैं ये रमज़ान भी हमारे अच्छे गुजरें, और बहुत सारी दुआएं मांगें कि अल्लाह कबूल और मकबूल फरमाए, स्पेशली हमारे मुल्क के लिए। तो जी, अब से मैंने तो है ना तैयारी स्टार्ट कर दी है कल से सहरी के लिए। कबाब बना के जो है मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, स्ट्रॉबेरी भी फ्रीज़ कर ली थी, और ये इस तरह से मैंने स्ट्रॉबेरी का जो है वो जैम भी बना लिया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा, बहुत ही इसकी आसान सी रेसिपी है। तो फ्रिज में अक्सर मैं इस तरह से शीट बिछा लेती हूँ, तो जो फ्रिज है वो काफ़ी मैसी नहीं होता। तो अब तैयारी मैंने पकड़ ली है, और अब मैं ये कर रही हूँ कि मैंने बनाने हैं कल, यानी कि फर्स्ट रोज़े के लिए, इफ्तारी के लिए रोल। तो मैंने उसके लिए जो है ना ये वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, चाइनीज़ रोल बनाएंगे जिसे हम बनाते हैं। तो इसमें जो है मैंने बंद गोभी, हरी मिर्च थोड़ी सी ली है, और शिमला मिर्च है, गाजर ली है, और जो मेरे हाथ पे हाथ कट चुका है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ये तो चलता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। जो किचन में काम करती हैं औरतों के तो ये बहुत ही नामुनासिब सी बात है। खैर जी, चिकन मैंने श्रेड कर ली है, और इस तरह सब चीज़ें रेडी हैं। पैन में मैंने जो है वो पहले इसको अच्छे से वॉश कर लिया, तो जैसे इसका वाटर जो है वो ड्राई होगा मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, ऑयल में जो है वो कबाब का ही इसमें यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने अभी कबाब फ्राई किए थे, तो उसको वेस्ट नहीं करना, तो इसी को मैं यूज़ कर लूँगी इसी के अंदर। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के रोल और समोसे बनाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है काफ़ी डिफरेंट तरह के जो है वो रेसिपी को ट्राई करना। मेरी फ्रेंड है शेफ़ आफिया, वो भी बहुत अच्छी बनाती हैं डिशेस वगैरह, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, बहुत ही मज़े की जो है वो डिशेस वगैरह बनाती हैं। तो इंशाल्लाह जब मैंने उनकी कोई रेसिपी ट्राई करी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सिंपल से इसका प्रोसेस है, मैंने जो है वो हरी प्याज का जो प्याज वाला जो पार्ट होता है उसको मैंने कट कर लिया था, यानी डाइस फॉर्म में, ज़्यादा बारीक नहीं किया था, बस इसको सॉटे करेंगे इसके अंदर, और वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर देंगे। पहले मैंने चिकन ऐड कर दिया है ताकि चिकन अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए। इसके अंदर मैंने सॉस वगैरह ऐड की थी, सॉस में जो हम हमेशा यूज़ करते हैं सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं चिकन स्टॉक है, जो कि मैं इसमें एंड में ऐड करूँगी, और जब वेजिटेबल्स के अंदर मैं ऐड करूँगी। तो अब जो ना मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है, काफ़ी ऊपर तक फिल हो गई हैं, और साथ ही मैं इसके अंदर स्टॉक ऐड कर दूँगी, इसको ढक दूँगी। इतना इसको ढक के पकाना है कि वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से जो है वो गल जाएँ, और पानी जब इसका ऊपर आना शुरू होगा तब हम इसकी आँच तेज़ कर देंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इतना भुनने का इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और मैं इसको मज़ीद भून रही हूँ, और इसके अंदर जो है मैं जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब मैं इसका चिकन स्प्रिट फ्रजीता फ्लेवर का ऐड करूँगी, इससे मज़ीद जो है इसका फ़्लेवर जो है इन्हेंस हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो जी, मैंने कल ये रोज़े के लिए, इफ्तारी के लिए बना के रखा है, प्रेप कर लिया है, और इसके बाद जो है मैं एक काम करना भूल गई थी, जो कि मुझे अभी रिकॉर्डिंग करते हुए याद आया कि मैंने जो है वो चने भिगोने हैं। तो बस आपसे बात करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में और चने भिगोऊंगी, जो कि मैंने कल इफ्तारी में बनाने हैं। और जी, बच्चा पार्टी को मैंने लिटा दिया है सोने के लिए, मैं कभी आप लोग भी सो, सुबह सहरी में उठना है, और इंशाल्लाह आमद भी रोज़े रखेंगे। तो ये था व्लॉग, कल मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी न्यू व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।